हे गाइस, दिस इज रोनित और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिक्स ऐसे यूनिक वेज के बारे में जिनको यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप अलग अलग अमेजिंग बिजनेस आइडियाज सोच सकते हैं, अमेजिंग बिजनेस आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बिजनेस आइडिया सोचने के कुछ कॉमन वेज आपने बहुत सारी वीडियोस में या फिर अलग अलग जगहों पे सुने होंगे, जैसे कि आपको वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व प्रॉब्लम्स, और भी ऐसे कई सारे मेथड्स जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जो बहुत सारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग कुछ आर्टिकल्स में भी वो मिल जाएंगे। पर इस वीडियो में आपको सिक्स ऐसे यूनिक वेज के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। और ये जो सिक्स यूनिक वेज हैं, वो हर एक मेथड बेसिकली एक अलग अलग क्वेश्चन है जिसको अगर आप एनालाइज करते हैं, जिस क्वेश्चन को अगर आप आंसर करते हैं अच्छे से, तो आपको एज अ रिजल्ट मिल जाएगा एक बिजनेस आइडिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है देयरफॉर व्हाट। इसमें ये होता है कि आपको मार्केट में अलग अलग ट्रेंड्स को एनालाइज करना होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना होता है, और फिर आपको अपने आप को ये पूछना होता है सब कुछ एनालाइज करने के बाद कि देयरफॉर व्हाट। फॉर एग्जांपल, केविन और माइक ने कुछ सालों पहले स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के ट्रेंड को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये देखा कि कम से कम 4 या फिर 5 साल के बाद ऑलमोस्ट हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन होगा जिसमें एक कैमरा लगा होगा और साथ में उस फोन में होगी एक इंटरनेट एक्सेस यानी कि इंटरनेट कनेक्शन। और उन्होंने सोचा देयरफॉर व्हाट यानी कि तो क्या, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिससे लोग अपनी खींची हुई फोटोज को इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अलग अलग जो उनके फ्रेंड्स ने फोटोज को शेयर किया उस पर अपने ओपिनियंस दे सके कमेंट्स के थ्रू, उनको लाइक कर सके। सो उन्होंने क्रिएट कर दिया इंस्टाग्राम को, जो कि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म था, और आज इंस्टाग्राम एक बिलियन डॉलर कंपनी है। सो इस मेथड में आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना होता है और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या यानी कि देयरफॉर व्हाट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक बिजनेस डेवलप करना चाहिए उसके अराउंड, ताकि जब वो ट्रेंड बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, जब बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंच जाए, तब लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाए या फिर जो भी आपने बिजनेस क्रिएट किया है उसको यूज करे, उसके कस्टमर्स बने। और ऐसे इस क्वेश्चन का, इस मेथड का यूज करके आप एक बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं, जैसे केविन और माइक ने इंस्टाग्राम का आइडिया सोचा जो कि है आज एक बिलियन डॉलर कंपनी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इजंट दिस इंटरेस्टिंग। इसमें ये होता है कि अगर आप कभी भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट करो या फिर आप कभी कहीं गए हो, आपके अराउंड आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखे जो आप सोचो कि हाँ ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या उसको स्केल किया जा सकता है एक बड़े लेवल तक और उसके अराउंड बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को स्केल करना, मैकडोनल्ड्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था, वो एक बार एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम था मैकडोनल्ड्स, जो एक ही उस टाइप का रेस्टोरेंट था जहाँ पर जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स थे वो काम कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि उनका जो प्रोसेस था जो बर्गर्स बनाने का और जो भी वो फूड्स, जो भी अलग अलग फास्ट फूड्स को वो सर्व करते थे, उनको जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी फास्ट था, काफ़ी क्विकली वो बर्गर्स बना के रेडी कर देते थे, उनके कस्टमर्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था, उनका जो प्रोसेस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको स्केल किया जा सकता है, और फिर रे क्रॉक ने ये जो प्रोसेस था फास्ट तरीके से बर्गर्स बनाने का उसको स्केल करना स्टार्ट कर दिया, मैकडोनल्ड्स की अलग अलग फ्रेंचाइजीज को सेल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर ऐसे मैकडोनल्ड्स बन गया इतना बड़ा ब्रांड। अगर आपको मैकडोनल्ड्स की फुल स्टोरी जाननी है, मैकडोनल्ड ब्रदर्स के बारे में, रे क्रॉक के बारे में, कैसे मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन गया आज की डेट में, तो आपको जरूर मूवी देखनी चाहिए द फाउंडर, उसमें आपको मैकडोनल्ड्स की पूरी स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। सो इस क्वेश्चन इजंट दिस इंटरेस्टिंग में आपको अगर कुछ भी आपके अराउंड इंटरेस्टिंग चीज दिखे, जैसे कि रे क्रॉक को फास्ट तरीके से बर्गर्स बनाने का मेथड दिखा था, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि क्या इसको स्केल किया जा सकता है और इसके अराउंड एक बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। ये था सेकंड मेथड। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इज देयर अ बेटर वे। इसमें आपको ये करना होता है कि जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस फील्ड के, उस इंडस्ट्री के जो करंट मार्केट लीडर्स है, जो बिजनेसेस करंटली उस इंडस्ट्री के टॉप में है, उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है और ये देखना होता है कि क्या आप एक बेटर वे में बिजनेस कर सकते हो एज कम्पेयर टू वो जो मार्केट लीडर है उसके। फॉर एग्जाम्पल, फर्डिनैंड पोर्शे जो थे, उन्होंने अपने अराउंड अलग अलग बिजनेसेस को देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और उनकी जो ड्रीम ऑटोमोबाइल थी, यानी कि जो उन्होंने सोच के रखा था कि ये एक ऐसी आइडियल ऑटोमोबाइल होनी चाहिए, एक ऐसी आइडियल कार होनी चाहिए, वैसी उनको किसी भी बिजनेस की कार नहीं दिखी, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा था, और फिर उन्होंने खुद ही ऐसी एक कार को मैन्युफैक्चर करने का डिसाइड किया, खुद ही एक ऐसी आइडियल, एक ड्रीम ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन करने का डिसाइड किया, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया पोर्शे को, और आज पोर्शे भी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। सेम केस था एप्पल के साथ में। स्टीव वॉजनियाक ने उस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए या फिर सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किए जा रहे थे, और उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को करने का एक बेटर वे भी है, हम एक ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स बनाएंगे जिसको जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर उन्होंने बनाए पर्सनल
कंप्यूटर्स यानी कि पीसीज, और ऐसे एप्पल की शुरुआत हुई और एप्पल आज टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है। सो इसमें आपको अपने अराउंड अलग अलग बिजनेसेस को देखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं क्या उसको करने का एक बेटर वे है, और अगर आप एक बेटर वे सोच लेते हैं, उसको डिस्कवर कर लेते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहिए। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाई डजंट अवर कंपनी डू दिस। ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में या फिर किसी बिजनेस में, और आप ये डिस्कवर करते हो कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसके जो भी कस्टमर्स है उनकी एक नीड है, एक एक्सपेक्टेशन है जिसको फुलफिल करना चाहिए, या फिर एक चीज करनी चाहिए जो भी कस्टमर्स है, और मार्केट में लीड करने के लिए कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए, पर क्योंकि आप वहां पे सिर्फ जॉब कर रहे हो तो जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है वो आपको मना कर देती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सही डिसीजन नहीं लेते, और फिर आप उस जॉब से रिजाइन करके खुद उस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है इट्स पॉसिबल सो व्हाई डोंट वी मेक इट। ये क्वेश्चन, ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली एरिया में काम आता है, यानी कि जो टेक स्टार्टअप्स होते हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं उनके लिए काम आता है। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी चीज को बना सकते हो पर आप बना नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि उस चीज का कोई मार्केट नहीं है, इस चीज को कोई यूज नहीं करेगा, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज होती है तो उसके पहले, उस चीज को बनाने के पहले आप उसके मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1970s में कोई भी नहीं सोचता था कि एक पोर्टेबल फोन बनाया जा सकता है, अगर बना भी ले तो उसको कोई यूज नहीं करेगा, पर जिन लोगों ने मोटरोला को स्टार्ट किया उन्होंने ये देखा कि पोर्टेबल फोन बनाना एक पॉसिबिलिटी थी, पोर्टेबल फोन को बनाया जा सकता है, पर बाकी सब कह रहे थे कि पोर्टेबल फोन को कोई यूज नहीं करेगा, फिर भी उन्होंने उस की परवाह किए बिना मोटरोला को स्टार्ट किया, पोर्टेबल फोन्स बनाए, मार्केट में लेके आए, और फिर पोर्टेबल फोन्स का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया और आज वो मार्केट स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है जो कि इतने स्लिम होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं। सो अगर आप किसी पॉसिबिलिटी को डिस्कवर करते हो, बेसिकली ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाली एरिया में होता है, अगर आपको एक लगता है कि इस चीज़ को बनाना पॉसिबल है तो आप ऐसे एनालाइज मत करो कि इस चीज़ का कोई मार्केट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आप उस चीज़ को बनाओ आप उसके मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हो, जैसा मोटरोला के साथ में हुआ। आपको बस उस चीज़ को बना के लॉन्च करना चाहिए और फिर एनालाइज करना चाहिए कि इसको कोई यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। सो ये फिफ्थ क्वेश्चन होता है इफ इट्स पॉसिबल सो व्हाई डोंट वी मेक इट, जो ज्यादातर यूजफुल होता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है वेयर इज द मार्केट लीडर वीक। इसमें आपको वापस से जिस भी आपको इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है उसके मार्केट लीडर को देखना होता है और फिर उसकी वीकनेसेस को एनालाइज करना होता है। इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो ये होता है कि अगर जो मार्केट लीडर है वो एक ही तरह से बिजनेस करने के लिए कमिटेड है, यानी कि वो पूरी टाइम एक ही तरह से बिजनेस करना चाहता है, वो इनोवेट नहीं कर रहा है ज्यादा, तो आप उसका बेनिफिट उठा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फिर उससे आगे निकल सकते हो। फॉर एग्जांपल अर्ली कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक के डेज में जो IBM कंपनी थी, जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लीडर थी, वो जो भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती थी वो रीसेलर्स को यूज करके सेल करती थी, यानी कि जो IBM कंपनी थी वो अलग अलग रीसेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। सो डेल के फाउंडर्स इनोवेट कर पाए, डेल के फाउंडर्स ने ये सोचा कि अगर ये जो IBM कंपनी है वो रीसेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, और इस तरह से डेल ने जो है वो IBM को पीछे छोड़ दिया। डेल भी आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जो सेकंड पार्ट है इसका वो ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री में कोई बिजनेस लीडर है पर उसके जो बिजनेस के जो भी सारे कस्टमर्स है वो डिससेटिस्फाइड है किसी रीजन की वजह से, तो अगर आप उस डिससेटिस्फेक्शन को दूर कर सकते हो तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के केस में हुआ। जैसे कि ब्लॉकबस्टर जो अमेरिकन ब्रांड थी, जो अलग अलग मूवी सीडीज और अलग अलग वीडियो सीडीज को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जो अलग अलग वीडियो सीडीज को रेंट पे देती थी, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो भी कस्टमर्स थे जिनको भी अगर ब्लॉकबस्टर से कुछ सर्विस लेनी थी, कोई भी सीडी रेंट पे लेनी थी, तो उनको ब्लॉकबस्टर तक ड्राइव करके जाना पड़ता था, वहां पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी तो उनको वेट करना पड़ता था। सो नेटफ्लिक्स इनोवेट कर गया इस मामले में, उन्होंने ये किया कि इंटरनेट का यूज करके सेम सर्विस जो ब्लॉकबस्टर प्रोवाइड कर रहा था वो नेटफ्लिक्स ने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सो नेटफ्लिक्स ने उनके डिससेटिस्फैक्शन, उनके इनकन्वीनियंस को दूर किया, क्योंकि अब लोग अपने घर पर ही बैठ के अपने फेवरेट मूवीज और टीवी शोज को स्ट्रीम कर सकते थे बस कुछ मंथली फीस पे करके। जो थर्ड पार्ट होता है वो ये होता है कि अगर जो मार्केट लीडर है, जो भी बिजनेस है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है किसी एक प्रोडक्ट के मामले में और उसके वजह से उसके पास इतना ज्यादा कैश आ रहा है, इतनी ज्यादा उसके पास जो है वो मनी आ रही है, जिसकी वजह से वो इनोवेट करना स्टॉप कर देता है, उसको ये लगता है कि अभी सबको इतना प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे अभी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से इनोवेट करने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीज हुई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल डॉक्स के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 2010 में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा चेंजेस लाए नहीं उसमें, सेम ही सेम फीचर्स रखे, सिर्फ कुछ बेसिक अपडेट्स करते रहे, कुछ बेसिक चेंजेस किए सिर्फ। तो गूगल जो कंपनी थी उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा इनोवेट करेंगे और फिर उन्होंने अपने गूगल डॉक्स प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया,
और जब गूगल डॉक्स आया तो जो भी सारे कस्टमर्स थे उनको वो उसका जो गूगल डॉक्स के सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना, एक्सेल शीट, जो भी अलग अलग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही प्रोडक्ट्स थे, पर गूगल अलग अलग फीचर्स देता था, अलग अलग तरीके से इनोवेट कर रहा था गूगल, और माइक्रोसॉफ्ट को लगता था कि हम ही सक्सेसफुल है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, पर गूगल डॉक्स इनोवेट करता रहा और गूगल डॉक्स के पास भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ गए। सो ये था इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपको ये देखना होता है कि अगर जो भी मार्केट लीडर है उसका कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया जिसकी वजह से वो इनोवेट करना स्टॉप कर दिया है उसने, तो आप इनोवेट करके उसको पीछे छोड़ सकते हो। ये था इसका थर्ड पार्ट। सो ये थे वो 6 क्वेश्चंस, 6 मेथड्स जिनको यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। जो भी ये सारे 6 क्वेश्चंस थे, जो 6 मेथड्स थे, वो मैंने आपको बताया द आर्ट ऑफ द स्टार 2.0 वाली बुक से। अगर आपको बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करना हो और उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फंड्स रेस करने अपने बिजनेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, तो आपको भी ये बुक ज़रूर परचेज करके रीड करनी चाहिए। इस बुक की जो बाइंग लिंक है वो मैंने दे दी है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ लाइक। इस वीडियो को अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और ओपिनियंस अबाउट दिस वीडियो, यू कैन लीव देम डाउन इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर बिजनेस वीडियोस लाइक दिस। एंड एज ऑलवेज, दिस इज रॉनित। गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।